अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अहमद इंटीरियर डिज़ाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में आपके साथ 5 मल्ला 25x45 में बना हुआ डिज़ाइनर घर शेयर करूंगा, जिसकी लोकेशन सेक्टर ई बहरिया टाउन लाहौर है। लो बजट ये घर है। आगे जाके इसी वीडियो में आपके साथ इस घर की डिमांड प्लान और इंटीरियर भी शेयर करूंगा। प्लीज़ वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली भी तमाम वीडियोज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहें। इसके घर का कार पोर्च है, फ्रंट एलिवेशन की आपको क्लोज लुक दे रहा हूँ। कार पोर्च में एक गाड़ी पार्क हो सकती है। फ्रंट स्पेस इसकी 5 फीट की है, जबकि बैक स्पेस भी इसकी 5 फीट की दी गई है। ये इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। इससे हम एंटर होते हैं, तो एंटर होते ही हमें यहाँ पर ड्राइंग रूम मिलता है। विंडो के सामने कर्टन्स दिए गए हैं और इसके साथ ही आपको लिविंग का व्यू भी मिल रहा है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो वाइट टाइल में इसकी फ्लोरिंग है। विंडो के सामने कर्टन्स हैं और सीलिंग डिज़ाइन आप सामने इसका देख सकते हैं। ड्राइंग से ही चलते हैं इसके लिविंग की तरफ। यहाँ पे आप इसका लिविंग देख सकते हैं। LED पॉइंट दिया गया है, शैंडलियर इंस्टॉल किया गया है और इसी तरह बैक साइड पे एक बेडरूम है और किचन का डोर है। और ये जो स्टेयर्स हैं ये लिविंग से ही भी ऊपर जा रही हैं और इन सबको कार पोर्ट से भी एक्सेस दी गई है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर देना चाहें तो वो भी ईजिली दे सकते हैं। ये फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन इस लिविंग का, जिसमें आपको इस लिविंग का फुल व्यू मिल जाता है। चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। यह है जिसका फर्स्ट बेड, जिसमें लेफ्ट साइड पे वार्डरोब इंस्टॉल की गई है। विंडो के सामने कर्टन्स हैं और इसी तरह सामने इसका वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया है। फ्लोरिंग, विंडो के सामने कर्टन्स, वार्डरोब और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन इस बेडरूम का। और ये है जिसका अटैच वाशरूम, जिसमें एंटर होते ही बिल्कुल सामने डोर के वैनिटी एरिया आता है। वैनिटी एरिया आप चेक कर सकते हैं। ब्लैक स्लैब के ऊपर वैनिटी डिज़ाइन की गई है और इसी तरह वैनिटी मिरर को राउंड शेप इंस्टॉल किया गया। फ्लोरिंग पे और वॉल पे टूटी टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है आपको। सीलिंग डिज़ाइन इसका और इसी तरह शॉवर एरिया और कमोड आपके सामने है। ये था जिसके ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम का विजिट। ग्राउंड फ्लोर में एक ही बेड दिया गया। अब चलते हैं इसके किचन की तरफ। इसके बिल्कुल साथ इसका किचन दिया गया, तो इस किचन का भी विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका किचन, किचन कैबिनेट डिज़ाइन देख सकते हैं। किचन की स्लैब को वाइट कलर में डिज़ाइन किया गया, वुडन की थीम में इस किचन कैबिनेट को डिज़ाइन किया गया और इसी तरह माइक्रो ओवन के बिल्कुल नीचे किचन का चूल्हा दिया गया। दोनों किचन कैबिनेट्स में यहाँ पर टाइलिंग का यूज़ किया गया। विंडो फॉर द वेंटिलेशन पर्पज़ प्रॉपर यहाँ पर दी गई है। फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन इस किचन का। ये सामने इसकी मेन एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की, जो कि हम ड्राइंग रूम के रास्ते से एंटर हुए थे, बट यहाँ पे ये सामने मेन एंट्रेंस है। उसके बिल्कुल साथ जो डोर है ये स्टेयर्स से बिल्कुल एक्सेस करता है और इसी से आप एक्सेस करते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं और इजीली आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दे सकते हैं। ये आगे जी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे, ये डोर राइट साइड पे, ये टेरेस का डोर, उसके साथ बेडरूम का डोर है और बैक साइड पे एक बेडरूम और किचन बनाया गया है। ये बेडरूम और किचन बैक साइड पे हैं। यहीं से फिर स्टेयर्स ऊपर जाती हैं फर्स्ट फ्लोर और ममटी रूफ की तरफ। ये लिविंग का फुल व्यू आप देख सकते हैं, जिसमें सीलिंग डिज़ाइन, LED पॉइंट और यहाँ पर आपको सीलिंग फैन इंस्टॉल मिल जाता है। एक डिसेंट थीम के साथ, सिंपल थीम के साथ अच्छी क्वालिटी में ये घर बनाया गया। 3 बेडरूम का ये टोटल घर है और सर्वेंट रूम ऊपर सेकंड फ्लोर पे बनाया गया। यहाँ पे आप इसको ओपन स्मॉल स्पेस में किचन देख सकते हैं। किचन कैबिनेट डिज़ाइन, किचन की स्लैब को ब्लैक कलर में किया गया। दोनों किचन कैबिनेट्स में यहाँ पे वाइट टाइल का यूज़ किया गया। किचन हुड यहाँ पे भी आपको इंस्टॉल मिल जाता है। सीलिंग डिज़ाइन इसका वाइट थीम है, यहाँ पर इसका सीलिंग डिज़ाइन किया गया। ये था जी इस किचन का रिव्यू। अब चलते हैं इनके बेडरूम्स की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर चूंकि 2 बेडरूम्स दिए गए हैं तो 1 बाय 1 दोनों को हम देखते हैं। ये फुल व्यू इस बेड का। फ्लोरिंग क्रैम वाइट टाइल में है विद वाइट बॉर्डर के साथ और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन को वाइट थीम में यहाँ पर डिज़ाइन किया गया।
और ये है जी इसका वार्डरोब और अटैच वॉशरूम एरिया। वार्डरोब एरिया पहले है इसका और उसके बाद इसका जो है अटैच वॉशरूम आ जाता है, जिसमें आप इसका वैनिटी एरिया देख सकते हैं। सीलिंग डिजाइन इसका, वॉल पे और फ्लोरिंग पे यहाँ पे भी टोटली टाइल का यूज किया गया, और इसी तरह कमोड सामने आपको मिल जाता है। चलते हैं इसके लास्ट वन बेडरूम की तरफ। यहाँ पे आगे जी हम इसके लास्ट वन बेड में एलईडी पॉइंट सामने दिया गया, विंडो के सामने यहाँ पे भी कर्टन इंस्टॉल किए गए हैं। ये फुल व्यू इस बेड का, फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिजाइन इस बेड का। और इसमें भी आपको जो है वार्डरोब एरिया के साथ इसका जो है वो अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये सामने आपकी वार्डरोब है और इसके बिल्कुल साथ इसका अटैच वॉशरूम है। अगर इस घर की डिमांड की बात करें, 2,35,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है। अगर आपको अपने घर का इंटीरियर प्लान या कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस घर का विजिट करना है तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने नंबर दे दिया, आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करके इस घर का विजिट कर सकते हैं। आई होप आप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहें।